गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी तुरंत हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और 8:30 तक यहाँ से हम लोग निकल चलेंगे चोपड़ा ट्रैक के लिए। उससे पहले मॉर्निंग व्यूज में आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जब पहाड़ों की वादियों के बीच में से सनराइज़ होता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट के बाद सीधा चलेंगे ट्रैक पे और सीधा रात का डिनर होगा, तो बीच में लंच नहीं है इसलिए ब्रेकफास्ट भी दबा के करना है। गाइस हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है इन खूबसूरत वादियों के साथ। लोग भी खूबसूरत हैं, क्या वादियाँ भी खूबसूरत हैं, पर हमारा मन भी लग रहा है यार, क्या जबरदस्त खूबसूरत है। सबसे पहले जो है हम लोग जाएंगे डायरेक्ट चंद्रशिला पे, उसके बाद हम लोग आते हुए फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे तुंगनाथ के, क्योंकि टाइमिंग्स का इशू है। गाइस अभी आधे किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा, मीट माय फ्रेंड, घोड़ी आ रही भाई। करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी हमने आधा भी कवर नहीं किया। लोग यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, अभी आधा बाकी है, आप जितना है उतना जाना, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी 1.5 किलोमीटर्स और बचे हुए हैं, लेकिन सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। हम थोड़ी देर और रुके होते तो शायद हम आ गए होते, लेकिन ये कि हमने स्टॉप बहुत ज़्यादा ले लिया, लोग ज़्यादा हैं तो लोग अपने हिसाब से रुक रहे हैं और कैप्टन को भी इस वजह से बार बार रुकना पड़ रहा है। शायद इतने लोग नहीं होते तब तक हम ट्रक पे पहुंच भी गए होते। समझे, समझ में आया बाबूआ? तो ये थी चोपटा की दास्तान, मस्त जगह है, मस्त ट्रैक है, शुरुआत के लिए दिव्यस्त है। अगर आप कभी ट्रक पे नहीं गए हो एंड इफ यू वॉन्ट टू गो, इट्स अ ट्रैक फॉर बिगिनर्स एक्चुअली, सेलेक्ट चोपटा, दी बेस्ट। और अगर आप थोड़ा ठंडी में होगे ना, स्नोफॉल भी मस्त देखने को मिलेगा। चल भाई क्यों बैठे हो, कहानी ना होता, कोई पीछे बचा नहीं है अपने ग्रुप का, चलो। अरे वो आ रहे ना भाई लोग, वो अपने टीम के नहीं है, बस पूरे ग्रुप में सबसे लास्ट यही है। अब पूरी टीम कहाँ पहुंची आप दी? और तुम? तो मैं तो भाई तुम्हें कंपनी दे रहा हूँ ना, तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूँ। गाइस एक बात का हमेशा आप ध्यान रखो, आप कोशिश करो अगर आप एक्टिव हो, सक्षम हो, तो प्लीज़ खच्चर अवॉइड करो, कैसे भी करके उनका यूज़ कर रहे हैं, ना खाना ना पानी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। चलो डाउन क्यों है यार, जल्दी चलो, नहीं स्टिक है मेरे पास, इतना डाउन है पता नहीं क्या ये, इसके पीछे मैं स्टिक लेके आ रहा हूँ। ऐसे फोन अंदर रखो यार, जबरदस्ती का, प्लीज माफ कर दो मेरे को, सबसे गाइस सबसे सॉरी बोल रही। कहाँ से जाएगा वो? गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो सामने अपना तुंगनाथ मंदिर है और इनकी हालत एकदम खराब हो चुकी है, एकदम। मंदिर जा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल सकता कुछ, इसकी हालत बता रहा था, लेकिन हम लोग पहले यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, ये सब पहले इससे ऊपर चलेंगे 2.5 किलोमीटर चंद्रशिला, रिटर्न आते वक्त मंदिर फिर से ओपन हुआ रहेगा तब हम लोग दर्शन करेंगे तुंगनाथ के। तो गाइस तुंगनाथ दर्शन यहाँ करना है, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं चंद्रशिला के लिए, चंद्रशिला से रिटर्निंग हम लोग दर्शन करेंगे तुंगनाथ के लिए, क्योंकि अभी मंदिर बंद है। और अब शुरू होती है नज़ारे की शुरुआत।
काम नहीं कर पाऊंगा, इतनी पहाड़ों में मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। सुन तो लो, मैं बैठ रहा हूँ, फोटो ले लो यार प्लीज़ भाई, फोटो ले लो यार प्लीज़ भाई, बता दिए काम घटिया सुन प्लीज़ भाई, बहुत सेक्सी फोटो आने वाली कसम से, आ जाओ एक बार बस, आ जाओ भाई। यार बहुत ठंड है यार, अचानक से जैसे ही तुंगनाथ तक पहुँचे एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, तुंगनाथ के आगे बढ़ रहा हूँ, ठंड ऐसे बढ़ गई तुरंत जैकेट वैकेट पहनना पड़ा बहुत, हाथ हाथ सब एकदम। लेकिन एक बार इस व्यू को देखो यार, इस पहाड़ों की वादियों में ये रास्ता एकदम दिल को छू जाते हैं। लॉन्ग रूट लेना हो तो आप इससे जाओ, लेकिन सब शॉर्टकट ही ले रहे हैं। और गाइस ऊपर देखो भाई, पूरा फॉग हो गया है और वहीं तक चलना है। देखो इतनी ठंड नहीं है यार जितना एक्सपेक्ट करके आया था, फिर भी बहुत अच्छा वेदर है ऐसा, मतलब गर्म भी हो रहा है चल चल के और फिर ठंडी हवा भी लगती है, ज़बरदस्त फीलिंग है। गाइस अगर आप नोटिस करो तो उधर धूप है, ये पूरी पहाड़ी, लेकिन यहाँ का वेदर देखो, इनको आप देख ही रहे, उधर टॉप पे देखो, वहाँ तक चलना है, वो टॉप है, चारों तरफ देखिए धुंध है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। और आदित्य अपना पोंचो कहीं गिरा दिया, पोंचो इन द सेंस वाटरप्रूफ जैकेट। दिस इज डॉक्टर मोहित मक्कड़, थक चुका हूँ फुल, सांस डॉक्टर के भी फूल थी पर दवा डॉक्टर भी रखते हैं। पहुँच गया ना भाई आदित्य, वेट सामने दिख रहा है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चोपटा एंड चंद्रशिला, और ये पूरा धुंध है, नहीं हो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है, मैं ऐसी जगह पहुंच पाया, मतलब हाईएस्ट पीक पे लिटरली। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इधर जो लोग भी आते हैं मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग तुंगनाथ पे रुक जा रहे हैं, तुंगनाथ के ऊपर नहीं आ रहे हैं। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, असली व्यू शुरू होता है तुंगनाथ के बाद से ही, अगर आप इधर आ रहे हैं तो चंद्रशिला तक जरूर आइए। और गाइस बारिश भी स्टार्ट हो गई, अब पहाड़ों की वादियों में बारिश का भी मज़ा लेंगे। देखो धूप भी हमने एंजॉय की, धुंध भी की, अब बारिश भी करेंगे। बाकी ऊपर का क्राउड तो आप देख ही रहे हो। फाइनली वी डिड इट, हर हर महादेव। चारों तरफ धुंध है, ये पूरी पहाड़ी। आदिदेव शंकर हर हर महादेव। अब हम लोग हाईएस्ट पीक से फिर से वापस उतर रहे नीचे के लिए, बट दिस वॉज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, और ये मेरा फर्स्ट ट्रैक भी था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। पहुंचो टाइम गाइस, मौसम की खूबसूरती देखिए, इसी ट्रिप ने हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले एकदम चिल्ड हवा, फिर थोड़ी सी धूप, फिर बहुत सुंदर नज़ारा मंदिर का, बहुत प्यारे से दर्शन किए,
और अब बारिश का मजा ले रहे हैं पोंचो पहन के। और ऊपर ऊपर धुंध भी देखा चंद्रशीतम। और मैं पोंचो के बारे में बता ही रहा था, फाइनली पोंचो पहनना भी पड़ा क्योंकि यहाँ बारिश होने लगी। तो गाइस आप सब जब भी आए पोंचो लेके आए, और पोंचो का अलग ही मजा है। जैसे मैं नॉर्मली गाली वाली नहीं देता हूँ अब, लेकिन मन होता है गाली के नाम पे पोंचो ही बोलो। अगर क्या है पोंचो एक्चुअली पोंचो। दोस्ती कभी इतनी गहरी भी ना हो कि दोस्त की पूछने तक की नौबत आ जाए। इधर देखो क्या क्या दिख रहा है। ये नहीं, धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और हम भी अपने आशियाने की तरफ बढ़ रहे थे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने देना, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। शंकरा,